ईस्टर्न रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा ने अपने वार्षिक निरीक्षण के तहत सोमवार 5 दिसंबर को पांडेश्वर स्टेशन का निरीक्षण करने के क्रम में प्लेटफार्म समेत केबिन, स्टेशन की साफ सफाई और टिकट काउंटर आदि का निरीक्षण किया और रनिंग रूम का उद्घाटन किया। महाप्रबंधक को अपने विशेष रेलगाड़ी से उतरने के बाद पांडेश्वर स्टेशन प्रबंधक मनोज कुमार सिंह फूल का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। रनिंग रूम का उद्घाटन करते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि अभी इसको और आधुनिक बनाया जाए, चालकों को सभी सुविधा इस रनिंग रूम में मिलना चाहिए। महाप्रबंधक ने ईसीएल के बंकोला क्षेत्र, झांझरा क्षेत्र और सोनपुर बाजारी क्षेत्र के अधिकारियों की भी समस्याएं सुनी और कोयला रैक बढ़ाने की बात कही। रेलवे के महाप्रबंधक अरुण अरोड़ा से अंडाल सैंथिया पैसेंजर एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं बीआरयूसीसी सदस्य डॉ जसबीर सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट कर यात्री सुविधाओं की मांग करते हुए वनांचल एक्सप्रेस को पहले जैसा पांडेश्वर में ठहराव, मालदा सूरत ट्रेन का पांडेश्वर और उखड़ा में ठहराव, चेन्नई गुवाहाटी का पांडेश्वर में ठहराव, सिवड़ी सियालदा का उखड़ा में ठहराव के अलावा रेल गेट के पास ओवर ब्रिज का निर्माण और फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराने की मांग किया। महाप्रबंधक रेल ने सभी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर डीआरएम परमानंद शर्मा समेत सभी रेल मंडल के सभी वरीय अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी उपस्थित थे। खबर पांडेश्वर की रिपोर्ट। तो हमारी ये फर्ड है कि जैसे जिन ड्राइवर को हमने यहाँ पोस्ट कर दिया, अब उनका क्वार्टर नहीं है, क्वार्टर अंडाल में, अच्छा अंडाल कम से कम वो यहाँ रह जाए। अच्छा, और अपना जो 30 आवर रेस्ट होती है तब अंडाल चला जाए, उस दिन भी 4 दिन 3 दिन के क्वार्टर चला जाएगा। टू व्हीलर मतलब पांडवेश्वर एसएनजी होंडा। चलिए अपने सपनों के राह में न्यू होंडा टू व्हीलर के साथ में आइए और न्यू होंडा टू व्हीलर के साथ अपना राइड एंजॉय कीजिए और पाइए 4,500 रुपए तक की छूट कोई भी बाइक या स्कूटर के ऊपर। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ आपको मिलता है सहज बचत, लो डाउन पेमेंट और कोई भी कंपनी का बाइक एक्सचेंज का सुविधा। तो और देर न करे, आ जाइए पांडवेश्वर एसएनजी होंडा, पांडवेश्वर एरिया मोड, कीता लॉज बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के ऑपोजिट पे, अथवा संपर्क करें स्क्रीन में दिए हुए नंबर पर।